नमस्कार, मैं आनंद ज्ञान बोटे आपका क्रूडल के इस वीकली वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम आगे आने वाला जो वीक है उसके ऊपर कैसे ट्रेड लेना चाहिए उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो आने वाला जो वीक है वो मार्च का महीना है, और मार्च के मंथ में जैसे फरवरी में मार्केट ऊपर नीचे गया था, और आई थिंक जो लास्ट वीडियो था उसमें अपना स्टॉप लॉस गया है, तो बहुत दिनों के बाद अपना स्टॉप लॉस आया है, तो इसका भी सेलिब्रेशन हमें करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो नेक्स्ट वीक है जो 2 तारीख से चालू हो रहा है, 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मार्च के महीने में मार्केट कैसा रहेगा, कैसे ट्रेड लेना चाहिए और कैसे हमें प्रॉफिट कमाना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है क्रूड ऑयल $45 के आसपास आ गया, और जो लास्ट के लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें आई थिंक मैंने बताया था कि मार्केट थोड़ा सा मुझे बेरिश लग रहा है और मार्केट टूट सकता है, ऐसा भी मैंने उस टाइम में कहा हुआ था। लास्ट टाइम का अपना प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट है, मार्केट में एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे तो हंसी आ रही है कि कैसे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम जाते हैं नेक्स्ट वीक के लिए चार्ट में, तो यहाँ पे चार्ट्स के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये investing.com का वेबसाइट है, इसमें मैंने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा हुआ है ये लिस्ट जो कुछ भी है वो। तो ये डिफ़ॉल्ट क्रूड ऑयल का 15 मिनट का चार्ट इसने ओपन किया है, राइट। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और इसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि एक कमेंट भी आया था और व्हाट्सएप पे 4-5 मैसेज भी मुझे आए थे कि सर आप इंडियन प्राइसेस में बताते जाओ। जनरली वो मैं भूल जाता हूँ कि इंडियन प्राइसेस में कैसे ट्रेड लेना है क्या, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडर्स भी इसमें बहुत सारे, फॉरेक्स में ट्रेडर्स बहुत सारे हैं, तो उनके लिए मुझे डॉलर में बताना पड़ता है। तो देखिए जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है 32.65 और यहाँ पे 45.25 ऐसा हमारे सामने दिख रहा है, राइट। ये दोनों भी 15 मिनट के चार्ट्स हैं। हम इसमें हमें नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन करना है, तो हम इसमें आवरली पे कैसा चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट कैसा चल रहा है, अपना मार्केट कैसा चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम पहले ध्यान देंगे, राइट। तो इसको मैं 1 डे कर देता हूँ और इसको भी 1 डे कर देता हूँ, राइट। ये 1 डे हो गया, और यहाँ पर +530 करना ना भूलिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट न्यूयॉर्क का टाइम ओपन होता है यहाँ पे, क्योंकि ये US का क्रूड ऑयल है और investing.com का साइट भी वहीं का है। हम तो अपने टाइम के हिसाब से इसको सेट कर देंगे। देखिए 45.76 हमें यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, तो अभी 45, राइट। पहले हम इसको अकेला स्टडी करते हैं। तो जो सपोर्ट है आने वाला, मार्केट सपोर्ट के आसपास ही है ऐसा आप समझ सकते हैं, राइट। मेजर सपोर्ट अभी यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं है क्योंकि कैंडल यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है, और ये एक सपोर्ट जोन कहलाएगा मार्केट के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2017 में मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया था, और उसके बाद में 2019 में, मतलब 2 साल बाद, और यहाँ पे 2020 में और 1 साल बाद यहाँ पे मार्केट आ गया है। तो 42.60 और 44, ये जो दायरा है मार्केट का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दायरा है, और इसी के बीच में मार्केट सपोर्ट ले सकता है, राइट। तो ये जो ट्रेंड जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट नीचे चला गया है, कोरोना हो, कोरोना का कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन जब सपोर्ट टूटता है तो मार्केट नीचे ही गिरता है। कोरोना वगैरह सब ये मतलब मार्केट में थोड़ा सा एडिटिव एलिमेंट्स डालते हैं, क्योंकि जो कोरोना जो फैल रहा है कुछ इस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज़ में,
तो उसका भी नाम लेके मार्केट में क्रूडाइल जो है थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, सभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार मार्केट ऊपर नीचे चला गया और यहाँ पर आने के बाद बाई करना है या नहीं करना है उसकी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, राइट। तो जो नेक्स्ट वीक है वो भी सेल साइड में ही जा सकता है ऐसा मेरा कहना है, और ज़्यादा देर मार्केट यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि ये जो एरिया है सपोर्ट एरिया है, क्योंकि इस एरिया को इसी को लोग बहुत सारे देख रहे होंगे, और सपोर्ट के आसपास बाइंग में मार्केट मार्केट को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश में होंगे, राइट। तो जो नेक्स्ट वीक है वो तो सेल साइड में ही रहेगा, मतलब एक दो दिन मंडे ट्यूसडे, और उसके बाद में वापस मार्केट ऊपर की ओर प्रस्थान कर सकता है। तो वीकली में अगर हम एक नज़र डालें इसके ऊपर, ये देखिए एक बार मार्केट यहाँ पर आ चुका है 2018 में, उसके बाद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग है मार्केट में, ये जो जो कैंडल है ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, हो सकता है ये सपोर्ट भी टूट जाए और मार्केट इस सपोर्ट के भी नीचे आ जाए। तो ये जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा देर मार्केट रुकेगा, एक ही वीक में पूरा नीचे नहीं जाएगा मार्केट, या फिर जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर भी आएगा। तो हमें जो नेक्स्ट वीक में करना क्या है, हमें थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे ध्यान देना है, 47, 46, 48 उसके आसपास आते ही इसको सेल में जाना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है, क्योंकि ये जो कैंडल है ऐसे बड़े बड़े कैंडल को देखने के बाद बहुत सारे लोग सेल में घुसते हैं, मार्केट वहीं से उल्टा हो जाता है। तो सेलिंग जो रहेगी वो इसी एरिया में रहेगी, इसके नीचे सेलिंग नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक इसके नीचे क्लोज़ नहीं देगा मार्केट, तब तक हम ये सपोर्ट टूट गया ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 42.60 के आसपास, और वहीं से मार्केट थोड़ा सा ऊपरी ओर जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इंडिकेटर के हिसाब से अगर हम देखें तो जनरली हम RSI पे चेक करते हैं, और यहाँ पे हम MACD भी लगाएंगे, MACD, राइट। तो MACD पक्का इसमें सेल में है, और अभी अभी ये जो लाइन है वो ज़ीरो क्रॉस करके नीचे जा रही है, यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, राइट। जब मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा तो जो सिग्नल लाइन है वो -1.67.82 है, और जो ब्लू कलर की लाइन है उसको हम MACD लाइन बोलते हैं, वो है -1.76। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है इसी के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करे, क्योंकि ये सपोर्ट का एरिया है। तो नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीक में सेल की ही सलाह रहेगी यहाँ से यहाँ तक के लिए, और वहाँ से मार्केट थोड़ा सा अगर आपको बाई सिग्नल दे दे ये वीक में, तो हम इसमें नेक्स्ट वीक में बाई में जाएंगे, इस वीक में हम बाई में कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होने की संभावनाएँ ज़्यादा है, सेलर्स प्रेशर डालेंगे नीचे ले जाने के मार्केट का, तो जो बाई में फंसेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू हम डे चार्ट पर अगर हम देखें इसको, तो डे चार्ट में भी सेल सिग्नल आ चुका है, और ये थोड़ा सा लेट MACD देता है, राइट। ये MACD भी सेल में ही है, आप इसको इसकी तरफ ध्यान दें तो ये मार्केट सेल में ही है डेली पर भी, तो और ये सपोर्ट 42 टेस्ट हो सकता है आने वाले 2 दिनों में। जब ये सपोर्ट टेस्ट करेगा और ये कैंडल की अगर आप बॉडी देखें तो ये बॉडी बॉडी भी बढ़ती बढ़ती हुई जा रही है, हर दिन सेलिंग बढ़ रही है, राइट। 1, 2, 3, 4, 5 हर दिन मार्केट गिरता रहा 5 दिन कंटिन्यूअसली, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे आ जाए मार्केट। तो जैसा जैसा कुछ अपडेट मुझे अगर मिल गया कोई सिग्नल वगैरह, तो मैं टेलीग्राम पे जाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, और मैं ऐसा ही कोशिश करने वाला हूँ कि हर रोज़ क्रूड ऑयल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करूँ शाम के टाइम में। तो इंडिया के अनुसार अगर हम देखें इसको कंपैरिजन करके, देखिए ये जो एरिया है 3000 से लेकर करंट एरिया 3119, राइट, 2996,
यही मार्केट का जोन है। तो जो डेली है, ये डेली चार्ट है, इस पर भी अगर आप नज़र डालें तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2922 हालांकि टेस्ट हो सकता है, और इस पर अगर हम इंडिकेटर लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, RSI भी हम चेक करेंगे। ये देखिए 26, इस पर भी RSI लगाए गए हैं। ये लग गया दोनों RSI। राइट, तो बहुत ही ओवरसोल्ड कंडीशन में है मार्केट 22, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में अगर मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है तो बाई करने की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन कमोडिटीज़ में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कंडीशन नहीं होते हैं, ये आप मत भूलिएगा, क्योंकि कमोडिटी जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है। इक्विटी में शेयर्स का क्वांटिटी फिक्स्ड होता है, लेकिन कमोडिटी में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसके ऊपर आप न जाएं। अब ये देखिए, यहाँ पर भी गया था मार्केट ओवर सोल्ड में, तो यहाँ से कहाँ ज़्यादा ऊपर नहीं गया, वापस नीचे ही आ गया है मार्केट। तो देखिए जो नेक्स्ट वीक है उसके ऊपर हम 42 तक की सेलिंग लेंगे, और उसके बाद में जब सिग्नल मिलेगा कुछ तभी हम बाई की सोचेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम सेल साइड में जाएंगे, और इंडिया के अनुसार जो टारगेट है वो है 29 या फिर 3000 तक, मतलब 200-250 पॉइंट मार्केट नीचे जा सकता है, और ऊपर आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और जो मंथ है मार्च का, उसके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं कि जो नेक्स्ट चालू होगा मंथ उसमें कैसा मार्केट रह सकता है मंथली कैंडल के अनुसार। तो मंथली कैंडल के अनुसार यही हमारा जो लेवल है वो यही है सपोर्ट का, और यहाँ पर भी वही लेवल है 42.62, और मंथली मंथली में भी MACD नीचे ही जा रहा है। तो क्रूड ऑयल में बाई करने की अभी हम सोच नहीं सकते हैं, तो सेलिंग में ही जाएंगे 42 के लेवल तक। राइट, ये देखिए जो लाइन है इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो 42 पॉइंट, के आसपास है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2922 या 3000 के आसपास के लेवल आप पकड़ सकते हैं। तो अब एक नज़र डालते हैं USD INR पर भी, और USD INR कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। USD INR कहाँ है, ये देखिए USD INR ऊपर की ओर छलांग रहा है मंथ के अनुसार, और ये 73 तक जा सकता है। तो ये जो है वो, मतलब इसको हम क्रॉस कहेंगे, क्योंकि ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके अनुसार ये नीचे जाएगा, इसके अनुसार ये ऊपर जाएगा, और इसके अनुसार ये कंसोलिडेट ही करेगा। मतलब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है, यहाँ पे समझाना मुश्किल है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि USD INR जब ऊपर जाएगा तब अपना मार्केट नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। राइट, देखते हैं इस पर भी अगर सेलिंग आ गई तो हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि USD INR कम्प्लीटली बाइंग जोन में है। ये देखिए कैंडल भी एकदम ज़बरदस्त है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोज दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, 72.26 जो वैल्यू है वो मार्केट के लिए आगे आने वाला सपोर्ट का काम करेगा, और ये RSI भी 69.88 के ऊपर है, तो डॉलर के लिए हम पॉजिटिव पकड़ेंगे, और ये मार्केट जो है क्रूड ऑयल का कन्फ्यूजन में है। मतलब कन्फ्यूजन में, मतलब एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, और ये कंसोलिडेट ही करेगा। तो फिर भी हम इसमें सेलिंग में ही जाएंगे, तो आराम से ट्रेड करिए नेक्स्ट वीक में। अगर कुछ आपके कुछ सवाल आते हैं इसके ऊपर तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। तो इकोनॉमिक कैलेंडर पे मैंने क्लिक कर दिया है,
और अपना जो एक वेबसाइट है tradingteacher.in का, उसके ऊपर भी आप एक नज़र डालिए। चार्ट्स के लिए मैंने अच्छा कर दिया है। ये देखिए जो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक का इकोनॉमिक कैलेंडर है, ये मंडे 2 मार्च को जीबीपी में 3 बजे बड़ा इवेंट है, तो जीबीपी INR जो ट्रेड करते हैं करेंसी मार्केट में, वो इसमें 3 बजे के आसपास थोड़ा सा सावधान रहें। रात में 8:30 बजे मंडे को ही 2 मार्च को बहुत सारे इवेंट हैं। रात में 8:30 बजे मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आने वाला है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डाटा है। 8:30 बजे मंडे को ही मार्केट थोड़ा सा उस सपोर्ट जोन में जाने की कोशिश कर सकता है, राइट। इसके बाद में ट्यूसडे का जो है तीन बजे जीबीपी INR का इवेंट है। ट्यूसडे को ज़्यादा कुछ इवेंट नहीं है USD के ऊपर। उसके बाद में 4 मार्च को रात में 1:30 बजे एक FOMC मेंबर मिस्टर स्पीक्स का एक इवेंट है। मतलब ये 1:30 बजे मतलब 1:20 के आसपास, मतलब वहाँ पे दिन होता है अमेरिका में और अपने यहाँ पे रात होती है, तो ये अपने इंडिया के अनुसार टाइमिंग्स है। यहाँ पर भी आप एक बार टाइम कंफर्म कर लीजिए कि 5:30 है कि नहीं, तो 5:30 रहेगा तो ही अपने हिसाब से ये बताएगा। फिर वेंसडे को और एक इवेंट है जीबीपी में, मतलब लगातार 3 दिन में जीबीपी में इवेंट है। 3 बजे यहाँ पर 2 इवेंट है सामने, कंपोजिट PMI और सर्विसेज PMI, और USD में ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का एक डाटा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम का 170,291 था और इस टाइम पे 170 इन्होंने फोरकास्ट किया, तो इसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बहुत कुछ आ सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें ट्रेड ना करें, अपने मार्जिन को बचा के रखें, संभाल के रखें, राइट। 8:30 बजे नॉन मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है और क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री 9 बजे। तो लास्ट टाइम का जो इन्वेंट्री था वो 0.45 था, मतलब क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री कम कम होता जा रहा है। अगर ये नेगेटिव में आता है यहाँ पे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही और जा सकता है बुधवार को, राइट। और थर्सडे को 2 इवेंट्स है, यहाँ पे जॉबलेस क्लेम्स है और 8:30 बजे फैक्ट्री ऑर्डर्स का एक डाटा है, ये लेबर कॉस्ट का भी डाटा है। इसके बाद में रात के 10:30 बजे GBP का इवेंट है, जो फॉरेक्स के ट्रेडर से इस पर ध्यान दे सकते हैं। GBP के जितने भी पेयर्स है, GBP USD हो, GBP GPY हो, राइट। और फ्राइडे को 5 बजे एक अनाउंसमेंट होने वाला है FOMC मेंबर का, कपलन स्पीक्स। और रात में 7 बजे बहुत सारे इवेंट्स हैं फ्राइडे को, इस पर भी ज़रा ध्यान दीजिए। नॉन फार्म पेरोल का डाटा इम्पोर्टेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इम्पोर्टेंट है, तो ये जो डेट्स है, ये जो टाइमिंग्स है, आप एक पर्चे पर लिख के स्टेपलर करके रख सकते हैं अपनी जेब में। तो जो कुछ भी मैंने बताया है, तो नेक्स्ट वीक में हम सेलिंग में जाएंगे और मंडे ट्यूसडे के दिन मार्केट सेल में रह के वेंसडे से ऊपर में जाने की कोशिश कर सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। तो जो ट्रेडिंग टीचर है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जिनको सीखना है मार्केट, वो ये ट्रेनिंग में क्लिक करके फॉर्म भर के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो चार्ट के लिए आप यहाँ पे जाएं, तो इस पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि कैसा ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, और जो अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसमें जो कुछ भी लॉसेस हुए हैं वो नेक्स्ट वीक में अपने रिकवर कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।